जालंधर में फोकल पॉइंट के साथ लगते गदईपुर में गुरुवार सुबह में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। आग के कारण कोई जान नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में लाखों की मशीनरी के साथ साथ कच्चा और तैयार माल जल कर राख हो गया। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए 40 से 45 गाड़ियों को लगाना पड़ा। आग लगने की भनक जैसे ही फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को लगी तो वह पहले अपने स्तर पर ही आग बुझाने में जुट गए। जब आग नियंत्रण से बाहर हो गई तो फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फैक्ट्री में पहुंच गई और उन्होंने आग को शांत करने के लिए आग पर पानी फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन पानी रोकते ही आग की लपटें फिर से निकलनी शुरू हो जाती हैं। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का कहना है कि आग की लपटें इसलिए निकल रही हैं कि प्लाईवुड को बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वह बहुत ज्वलनशील होता है। पानी के कारण ऊपर से लपटें बुझ जाती हैं, लेकिन नीचे से आग फिर निकल आती है। फैक्ट्री में पड़ी लकड़ी की आग बुझ गई है।